नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह मिश्रा भी। हाय कुलदीप आज आज जी। हाय कुलदीप जी। हाँ, आज हाय कुलदीप भाई, नमस्कार। हाँ कुलदीप भाई, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत प्यार आप लोगों, आज बहुत इमोशनल हुआ मैं जी। कुलदीप भाई इंटरव्यू नमस्कार, बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। ये नमस्कार ये तो मेरे को आगे बढ़ा रहा है। आज इतना इमोशनल हुआ मैं कल रात से, अनजाने अनगिनत अन लोगों को, मद्रासी लोगों को हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता है, कैसा विश किया उन्होंने, ये अजब हो गया। मैं सर 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 बोलते हैं उनको, सर बोलने से मना करने को भी मेरे को दुख हुआ, सर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको एक ओल्ड टाइमर को लोग इतनी मानता देते हैं। हमारे ओल्ड टाइमर को अल्कोहलिक संदर्भ में ओल्ड टाइमर को इतना महानता दिया जाता है, शायद किसी को दिया जाता है शायद। कल मैंने बोला था इसके टाइम पे ओल्ड टाइमरों की जवाबदारी कैसे बढ़ती है एज वी ग्रो। तो ये जो अल्कोहलिक संदर्भ में नए भाई आज जुड़े हुए हैं, हमारा महेंद्र भाई भी तीन चार लड़के आता है, उसको मैंने प्रॉमिस किया था सैटरडे को मेरा बर्थडे को कि उस सबब में कोई जाता नहीं मेरे सिवा 80-90 किलोमीटर से, मैं जाता हूँ। अभी परसों भी गया था, रिक्वेस्ट किया थोड़ा सा हिम्मत देने को, अभी उम्र खत्म हो गया, आगे साल बाद जाने हो गए पता नहीं। तो मैं हमेशा बोलता है भगवान ये बीमारी किसी दुश्मन को भी मत देना, कभी मत देना। मेरे को इतना दया आता है लोगों का, जब भी 12 स्टेप कॉल करते हैं दया आता है। उसके पहले जब मुझे किसी ने 12 स्टेप कॉल किया था, कभी नहीं किया था, ना किसी ने सोचा था, भगवान का सस्पेंस किया था। 28, 1989 को जनवरी को एक जिंदगी से उब गया था मैं, जिंदगी से खत्म होना चाहता था। नो सुसाइड, नो कुछ नहीं, एक उम्मीद छोड़ दी थी। दुखी मन से बोला भगवान मैंने लोगों के साथ में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, तू ये क्या सजा करे मेरे को, क्या पता भगवान ने 28 तारीख को सुना जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले। वो शब्द मुझे आज भी याद है। 2 दिन खाना नहीं खाया था, रात का 2:30 बजे का टाइम था, पास में एक बीड़ी पड़ी थी, उसमें तंबाकू मुंह में डाला कुछ मुंह को टेस्ट करने के लिए। कितना लाचार होके, पानी की बोतलें भी होती थी उस टाइम, शंकर विलास होटल थे उसमें जाके पानी पीने का, शंकर विलास होटल फेमस थी चाय के। तो ऐसी परिस्थिति में शिवाजी पार्क बड़ा ग्राउंड है, वहां पे मैच वगैरह होती है, वहां पे सोने का, फिर गुरुद्वारे के नीचे सोने का। सुबह 5 बजे लोग आने का, पहला हम लोग उठ जाने, हमको कोई संगत आके देखेगी प्रताप सिंह का लड़का देखो कैसा सोया, और अड्डे खुलते थे 4:30-5 बजे। तो 77 के पहले 74 में मेरे हाथ में जो उतारा आया ना भगवान, वो उतारा किसी को मत दे। सोशल थिंकर भी जो है मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आते हैं उनको बोलते हैं भाई उतारे के नौबत तक मत पहुंचो, इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। क्या मैं पहले दिन से शराबी था, क्या पहले दिन से खराब था? नहीं। जैसा एक आदमी एक औरत अपने घर में दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो पहले बच्चे का प्यार टूट जाता है तो उसकी माँ के गोद में दूसरा बच्चा आता है। अभी दूसरा बच्चा आता है, पहला बच्चा सोचता है कि ये मेरी जगह लेके बैठा, वहां से एक रिजेंटमेंट चालू होता है बच्चों को। वैसा ही मेरे माँ का प्यार मेरे से नहीं मिला, मेरे पापा जी का प्यार मिला, माँ का प्यार मुझे कभी भी नहीं मिला। एक घर में से एक आस पड़ोस वाले मेरे को उठा के लेके आती, माँ मुझे मारती बचपन में, मेरे को कुछ प्यार से नफरत करती थी, मैं पापा जी का लाडला था। ये स्टार्टेड विद माई फैमिली। तो पापा जी का काम कुछ कम होते गया तो पापा जी भी पीना शुरू किया, पापा जी पीना शुरू किया था मैं गुस्सा हो गया। जिंदगी में बोला मैंने भगवान को बोला, पापा जी को बोला, मैं कभी जिंदगी में शराब का मुंह देखेगा नहीं। और आज मैं मीटिंग में बैठा हूँ, कितनी सोच की बात है, आज मीटिंग में बैठा हूँ। तो कहने का मकसद ये था कि मेरे लाड प्यार ने, पापा जी ने इतने पैसे, फर्स्ट कॉन्टेक्ट में बॉम्बे 100-100 के नोट होते थे उनके, बड़े नोट, वो 100 नोट एक महीना भी चलता था, मेरी आदतें खराब हुई। मेरे पापा जी ने खुला हाथ करके पैसे दे के मुझे, मेरी आदतें खराब हुई और आदतें इतनी खराब तक हो गई कि मैं स्कूल में आना जाना बंद हो गया, स्कूल में दांडी मारना शुरू, दारू पीना क्लास में, और कभी कभी वो जिंदा रंगा जो इसको शूट आउट किया, जो फांसी दिया, वो मेरे क्लास में थे, मैं डरता था उनको, मैं काफी डरता था उनको
कि उन लोग अपने बड़े लेवल के थे, लेकिन फिर भी ऐसा दिल में था कि उनके साथ में रह के मैं भी कुछ करूं। अब एक मुन्ना था शिवाजी पार्क का, उसको भी शॉर्ट आउट किया। तो ये चीजें जो मेरा एक जवानी का बोझ था, मेरी जिंदगी में बोझ, जो जवानी का बोझ था, जैसा एक 11 साल की लड़की को श्रृंगार करो वो कभी सुहागन नहीं हो सकती है। क्यों सुहागन नहीं? लेकिन जवानी एक हर आदमी के ऊपर बोझ होता है, या उसको डंके की चोट में लेके जाता है, या जिंदगी सुधारने में लेके जाता है। किसी के विचार अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। मेरे इतने गंदे विचार, इतने गंदे विचार, सबसे पहले जब मैं आया शराब पिया मेरे फोरमैन के साथ में, मेरे पापा जी को पता नहीं चला, लेट आना शुरू किया जी। पापा जी को, माता जी को पता चल गया, पिता है, तो मेरे को एक घमंड सा आ गया, अभी मालूम पड़ गया अभी इन्हों क्या करके लेंगे। मैं देखता हूँ, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। और पिताजी ने पास निकाल के दिया, फर्स्ट क्लास का, घर से टिफिन आता था, 70 रुपया तनख्वाह थी, 6 महीना तनख्वाह नहीं थी। कौन से पिताजी माता जी अपने बच्चे को कम करते मुझे बताओ? लेकिन मुझे इतनी भी अक्ल नहीं आई कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी मेरे को कितना सोचने का अच्छा कोशिश करते हैं। फैमिली में सबसे बड़ा लड़का मैं था, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। अपने बाप को पागल करके रखा, माँ को पागल कर रखा। अचानक मेरी बहन से मैं कितने महीने तक बात नहीं की, उसको भी मारना कभी कुछ कहना, पिताजी ने मुझे इतना मारा था ज्यादा। जब उन्होंने अपनी गाड़ी बेची, मैं 3 दिन तक पापा जी से बात नहीं की, उनके घुटनों पर नहीं बैठा, उनसे बात नहीं की, मैं रोते रोते मेरा गाड़ी कहाँ गया। तो इतना दुख होता था, पिताजी मुझे प्यार करके करके, सबसे पहले मेरा नाम पीदी डाला था, कुलदीप बोल के मेरा पीदी किधर गया, दुनिया में सब में कोई जानते थे। हर चीज मेरे घर में भगवान ने पहली दी, हर बिल्डिंग में क्या मेरे एरिया में सब कुछ फैलाया, गाड़ी, सिंगर मशीन, रेडियो वगैरह सब कुछ, टीवी हमारे गाड़ी में। लेकिन उसको मैं संभाल नहीं सका, पिताजी इतने बड़े ठेकेदार थे, काम नहीं संभाल सका। कारण मेरे स्वभाव दोष उल्टे थे, मेरे विचार उल्टे थे। मेरे पापा जी इतने अच्छे थे समाज में, भाव प्रताप सिंह एक ही आदमी था पंजाब में, हमारे कम्युनिटी में, सस्ते रामगढ़ में भाव प्रताप सिंह एक ही भाव जी था, आज भी भाव जी के नाम से जानते हैं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने काफी कुछ किया, पढ़ने की कोशिश की, पढ़ाने की कोशिश की, नहीं की। लेकिन मेरा जहां से शुरू हो गया शराब, मेरी 70 में मेरी बहन के पास गया मैं, वहां पे मेरे जीजा जी ने चोरी किया, मेरी बहन का लेटर आया, मेरी मासी का लेटर आया, पंजाब में गुरदासपुर गया, 2 दिन के बाद पहुंचा। मेरी मासी बोलती, तू क्या करके आया उधर? मैंने, मैं बहन के पास क्या करेगा, वो तुम सोने का बंगड़ी बेच के आया। ऐसा कलंक जो है ना आदमी का जिंदगी में, वो आदमी को गिल्ड खा खा के आदमी अपने ऐप की तरफ, अपनी शान और शौकत छोड़ के अपने मरने की सोच करता है। मेरे को दुख लगा, मैं वहां से मासी के घर से निकला, बाहर अड्डे पे, मेरे को बुलाया, मेरा साहब ने नहीं किया, मेरा मामा 23 साल के बाद आया था। क्या गुजरा होगा मेरे मामा के ऊपर, पूरा इंग्लैंड में जाके उसने बदनामी की, कुलदीप में जाकर चोरी किया था, मासी ने उसको डांटा। ये जो गिल्ट में लेके चालू किया दारू, फिर मेरे को स्कूल में एक लड़की ने एक बार कुलदीप ने लव लेटर लिखा, मेरी लैटिन पूरे स्कूल में घूमती थी, मेरी लैटिन थी नहीं, आज जिससे लैटिन लिखा था आज वो दुनिया में नहीं है, भीख मांगते मांगते मर गए। देखो कर्म कर्म लिखे जाते हैं रोज। वहां से पीना चालू हो गया, पीना चालू हो गया, नौबत यहाँ तक पहुंची, भाई भी पीना चालू किया, पिताजी पीना चालू किया, मैं चालू किया। एक घर में एक माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी यार, क्या जिंदगी है। उसने उस माँ को रोड क्रॉस करने का पता नहीं, बॉम्बे शहर में रहके कोई फिल्म भी चीज दुनिया में है कि कोई ऐसी भी जिंदगी में है, कुछ है नहीं। हर जगह पे उन्होंने हर लोगों की शादी में जाके हर काम काज पूरे किए। लेकिन मेरा भाई की इतनी इज्जत थी, वो थोड़ा पी के भी जाता था, उसको लोग इज्जत करते थे, मुझे इज्जत नहीं करते। मैं बहुत डेंजर, एक मुंह से इतनी गाली निकलती देता था, तो एवरीबॉडी आइसोलेटेड मी। कुलदीप मेरा गुंडा आदमी है, गंदा आदमी है, एक गिर लेके लेके जब मैं मीटिंग में आया तो उसको मुझे लेटर आया कि कुलदीप जी आपने चोरी नहीं किया था, मेरे चीजा चोरी किया था हैदराबाद में। सो ये जो चीजें अंदर, एक आदमी मायूस होकर जीता ना कि मेरे पर कलंक लग गया, वो कलंक आज अल्कोहलिक बन के जो कलंक लगा ना, उसका तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि आज दुनिया ने दिखाया कुलदीप सिंह बुरा आदमी नहीं था, एक खराब आदमी नहीं था, आज कैसा जीता कि वो कलंक का या कलंक में आज फर्क है।
दारू बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते गया, पापा जी काम मिलता रहा, पापा जी के पास मेरी बातें छुट्टी करते रहे, रुपये को पीने का, वर्कर्स को पैसा दे के ज्यादा कुछ करने का, उससे दारू मंगाने का, रात पाले करके उसे करने का, कभी फर्नीचर का उल्टा हो गया। तो वहां पे हमको हिंजेस मिलते थे कब्जे, वो कब्जे चोरी करके जाके बेचने का, किधर से किधर क्या करने का, राजदूत गाड़ी लेके गया था उस टाइम। सो कहने का मकसद यही थे कि मैं शराब के नशे में कभी किसी को मानता नहीं था, कभी कुछ नहीं था, आखिरकार मैं सब बीच बीच के घूम गए अपना गाड़ी में रख के इधर। तो मेरे को मैसेज 74 में एक दोस्त मिलते हैं जो शराबी के, दो शराबी होते हैं मिलते हैं, कुलदीप उतारा मार ले ठीक हो जाएगा। और उन लोग गाड़ी बिल्डिंग के नीचे खड़े होते थे, कुलदीप 7 बजे नीचे उतरता है कुलाबा जाने के लिए, और उसके बाद में वो आके अभी हम लोग को दारू पिलाएगा। सालों साल मैंने दोस्तों को दारू पिलाया। अच्छा, उसमें से कई बेचारे चले गए, उनके घर वाले बोलते थे कुलदीप सारा सबको दारू पिलाते हैं, वो करते हैं। पापा जी ने वॉच किया, पापा जी ने घर में लाके देना शुरू किया, अच्छा स्वाद ला के दिया अच्छा, लेकिन शराबी क्या करते हैं, बाहर जाके पी के कोटा करके पूरा होता है। अभी घर के बीच में जब ये चालू हो गए लड़ाई झगड़े, बहनों ने साथ छोड़ दिया, रखिए राखी भी आते थे हर त्योहार में, इंग्लैंड अमेरिका से मेरा घर फेमस था, पापा जी के पास प्रताप सिंह के पास रहेंगे, तो उनके पास भी संबंध खराब हो गए। सबको बिठा के पूछा तुमको पढ़ने का लिखने का, पापा जी माता जी ने पूछा, मैला नहीं मेरे को काम करने का, भाइयों को दोनों को अलग अलग कर दिया, मेरा भाई अलग हो गया, मैं अलग हो गया, और घर बेचना पड़ा मटुंगा का। तो घर में कला क्लेश, मेरे घर के जैसे कला क्लेश में, मतलब भगवान किसी को मत देना, कभी मत देना। उसने क्रॉकरी रखा था गुरुद्वारे में सर्विस के लिए, मैंने उसका कांच का क्रॉकरी सब तोड़ दिया और उसको ऐसी गंदी गंदी गाली दे के उसको, कम से कम मेरा भाई बोलता था कुलदीप तो ऐसा करते रहेगा ना तेरे बाप को हार्ट अटैक करेगा, मेरा भाई बोलता है मेरे साथ पीने वाले। और माँ बोलती थी तुम लोग तीनों सुबह पीते, मैं कौन सी सजा दिया है, मैं तुमको कौन से जन्म का मेरा बदला ले रहे हो तीनों तुम लोग। माँ का माँ की आवाज होती थी, रोती थी बेचारी अफ्रीका की, इतने पैसे वाले घर की मेरी माँ थी, लोग डरते थे उसको, लेकिन क्या बोलूं, व्हाट आई कैन से। वो शब्द मेरे को आज भी याद आता है, तो मेरे को माता जी पिताजी मेरे को बिठा के बोलते कुलदीप हमने तेरे लिए कौन सी जन्म में क्या क्या कुछ नहीं किया, तेरे लिए क्यों हमको सजा दे रहे, तेरे को जब भी नाम रखा तेरा नाम कुलदीप सिंह, 500 से 900 आदमी 1000 आदमी खाने को आए थे 1948। तो ये जो उनके जो सोच थी कि एक बड़ा लड़का बनेगा अच्छा बनेगा, लेकिन नहीं बन सका दोस्तों, नहीं बन सका। मेरा घमंड इतना था, मेरे दादागिरी था, मेरे पैरों लोग से दोस्ती था, मेरे डी गैंग में दोस्ती थी, लेकिन मैं हार चुका था। मुझे नहीं मालूम 77 में मुझे पापा जी ने कुछ भी करके, उनकी इतनी पहचान थी, मुझे दुबई भेजा। अच्छा, दुबई भेजने के बाद में मैं शिप में भी टाइट होता गया, पापा जी से $3 मिलते थे, $3 में 5-6 टाइम लेके, तो मेरे को मेरे लेबर देख रहे हैं कि पापा जी कितने पैसे लग घरेली पैसे दे रहे हैं। दुबई ये बीमारी लेके मैं पहुंचता हूँ 4th दिन दुबई में, वहां पे रमजान का महीने में जब दारू आई तो एक हैदराबादी था वो भी पीने वाला था, उसका तुम शराब पीता है क्या, मैं पिया। और उसी दिन मैं चला गया पुलिस स्टेशन से भी उठाया, देखा तो पुलिस स्टेशन में मेरे को पुलिस ने लात मार के उठाया और बोला तेरे को गधे पे बिठाएगा, मुंह काला करके चक्कर मारेगा, नहीं तो 450 फाइन भरो। अभी पहला दिन में 450 देना मेरे को नहीं मिला था एडवांस, 200 रुपये मिला था, खत्म हो गया। तो वो तो भाग गया, उसके बाद में किसी को दया है मेरे ऊपर कि कुलदीप सिंह अच्छा आदमी दिखता है अच्छे बाप का, तो 450 दिरहम फाइन भर के मैं को छुड़ाया। मैं कैसा भूल गया, 450 दिरहम मैं भर के निकला हूँ, मैं कैसा भूल गया। वहां दारू नहीं मिलती थी, एक पंजाब का सरदार जी मिला, बोलता है यहाँ पे लोशन मिलता है खाली शराब के लिए, और शराब के बोतल थी 4 रुपए की छोटी शीशी आती थी, वो जो मैं लोशन चालू किया मेरे को ऐसा खुशी मिला कि पता नहीं मैं अमेरिका में पहुंच गया यार, दारू तो मेरा 77 लड़की का मुंह बाल दिखता नहीं था। अब ये बीमारी में कहां से घूमते घूमते लोग उधर देखते, जब ये शीशी खत्म होता था एक लेक आफ्टर शेव लोशन मिलता, उसमें फूल नकली फूल होता था, वो पीना चालू किया मैं। बाद में मालूम पड़ा कि कितने लोग इसमें से पागल हो गए, कितने चले गए, लेकिन हमको नशा चाहिए था, शरीर डिमांड कर रहा था दुबई में भी। तो किसी ने एक हमारा फटके इंजीनियर आया वहां पे,
उसने आके बोला कुलदीप को कैसे भी करके बॉम्बे भेजता हूँ। 79 में मैंने 2 साल तक मैंने माँ बाप को पैसा नहीं भेजा, कहाँ से भेजू नहीं भेजा। पापा जी वहां से बोलते थे कुछ दुबई कैसा भेजू, पैसा मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं हो गया। वापस जब मेरे को उन्होंने प्रोग्राम किया, शारजा एयरपोर्ट छोड़ा मेरे को इंजीनियर ने, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूँ तो उसके पहले पापा जी को याद आया कि इसको दुबई भेजने का पहला इसका एंगेजमेंट किया था। उन्होंने सिर पे हाथ मारा कि इसका एंगेजमेंट किया था, और एंगेजमेंट का किस्सा दिखाता हूँ आपको। मेरे को दिल्ली से चावल मंगाए थे पापा जी ने कि घर का बड़ा लड़का एंगेजमेंट करेंगे, और टेरेस किसका माइक खुला है। तो उस इतने धूमधाम से मेरा एंगेजमेंट किया था, और जब भी मेरी सांस आती थी मेरे को उल्टा पड़ा सोया हुआ देख के, मेरे हिप्स ऊपर पड़े हुए सो के, बाल खुले सो के, और सिर पे हाथ मारता है मेरी लड़की इनके घर में दुखी होगी। कैसे भी करके उनका मामा आया, प्रताप सिंह किधर है बाबूजी? मैं बोला मेरे को आस्ते बात करो नहीं तो मैं तुमको कुछ भी कर देगा। मेरे काम पे आए थे, भरकर खड़े थे, तो बाद में उसका मेरे हाथों पर होने वाली थी, दर्द थे मेरे को। उसके बाद में जब आया तो गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गया, तो मेरा सामान उनका सामान रखा। अभी बोलो एंगेजमेंट का दिन मैं उसका गंगूठी बेच के किधर मारुड़ी के पास रख के सबको ऐश करने को लेके एम्बेसडर कार में, एक पागलपन नहीं तो क्या है, भयाशी करने को दोस्तों को लेके जा रहा है। जब दूसरा दिन तीसरा दिन में अंगूठी देने हो गया, आज तक दुकान नहीं मिला कहाँ थी वो। पिताजी ने सिर पे हाथ मारा, अपना अंगूठी निकाल के दिया। एक ही शब्द बोलते हैं शराबी को माँ बाप, भगवान ऐसा बच्चा जिंदगी में कभी किसको मत देना। कैसा शब्द उनका मुंह से आता होगा यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, कैसा बाप के मुंह से शब्द है। माँ बोलती थी मेरे को कलंक लग जाएगा अगर मेरा बेटा मेरे से पहला मांगेगा। कुलदीप मत पी, तेरे पांव पड़ती है, कोई लड़की का अफेयर है बोल तेरी शादी कर देते हैं, इसको छोड़ दू। मैं 79 में घर में आया, मेरे जब भी माँ इंतजार कर रही थी नीचे से, ऊपर से बिल्डिंग वाले देखा या कि टाइट होके आया, टाइट होके आने के बाद देखा कुछ नहीं इसके पास, कर्जा लेके आया जेब में, कुछ पैसा नहीं लेके आया। 8 दिन के बाद पापा जी ने मेरे से शादी रख दी, लड़की जो भी मेरे घर में है सीधी सादी लड़की, ना मच्छी मोटर ना पिक्चर ना कुछ नहीं, ऐसी ऑटो को फंसा के मैं लेके आया कि तेरे को दुबई लेके जाएगा। और पहले रात को मैं फुल टाइट होकर 4 आदमी मेरे को लेके आए शादी के दिन 8 अगस्त को लेके आए। तो बेचारी रो रही है, कभी उसे शराबी देखा नहीं था, तो मेरे बाल भी धोए, उसने सुनाया मेरे को क्या पूछती है तुमको क्या चीज पसंद है, तो बोले मैं सब कुछ देने को तैयार है, तुमको क्या चाहिए शराब में रखा है। मैं बोला तू दिन के लिए, घर के लिए, शराब मेरी जिंदगी के लिए, ये शब्द मेरा मुंह से कैसा है। आज भी मैं सोचता हूँ उस प्यारी सी अच्छी लड़की को जो 12 साल छोटी है मेरे से, और उसके पहले मैं ऐसी करके आ चुका हुआ है, लेकिन शब्द कैसा था इतनी सुंदर बीवी को, मेरे को बहुत दुख होता है आज भी। ये काय वाला जी वेदना उनका दुख सुख आ जाता है दोस्तों, आंखी से पानी आता है। मैं इमोशनल नहीं हूँ, बहुत डेरिंग बाजू हूँ, लेकिन कुदरती मेरे को आंखी से पानी आता है कि मैं क्या करके रखा। आई वाज अ डेस्परेट क्रिमिनल, ब्लैक शीप इन माय लाइफ, यू नो, गली में मारता था, भर में 4 आदमी रहते, कोई नीचे पत्थर फेंकते थे घर के ऊपर, कुलदीप हराम खोद रहे बैठे मारो इसके घर पत्थर, अरे कभी पुलिस का पैरा कभी किसका पैरा, क्या नहीं नींदे हराम की मैंने घर वालों की। 29 तारीख को 86 से 89 तक मैंने अपने घर का पूरा सामान कबाड़ी के पास बेच के खत्म करके 1000 कपड़ा लिया था। मेरे दुबई के दोस्तों को माने में गाड़ी का शौक था, कपड़े का शौक था, सब चला गया, एक रह गया शर्ट और पैंट, और चलेगी 3 टाइम छोड़ के, मम्मी तुमको इतना बड़ा बॉम्बे में ये सरदार जी मिला शादी करने को, कितना बेइज्जती है शराबी का यार। हर जगह पे लोगों ने पत्थर के जैसे ठुकराया, एक जैसे पत्थर को लात मार के शराबी को ठुकराते लोगों में देखता हूँ, आज भी देखता हूँ। उसके बाद में आई सबको बेचने के बाद, और एक आज मेरे को याद आया, उसने सुबह मेरे को आज तक नहीं बोला 34 साल में मेरा कितना तूने नुकसान किया, आज तक नहीं, जितना सुख देना था नहीं दे सका। 86 से 89 जो मेरा हालत हुआ, जो मेरा भिखारीपन, मेरा लालच आधा वेद हो गया, कभी कम हो गया। मैं आदमी का सुनता हूँ कि मेरा आंतड़ी बाहर आ गई थी, मेरी भी आंतड़ी बाहर आ गई थी, कितना मैं पहलवान था, इतना बड़ा मैं रेसलर था, बॉक्सर था, खत्म हो गया मेरा गोल्ड मेडलिस्ट था। 29 तारीख को मेरी बहन के बच्चे की साले की शादी में
मेरे को प्लान किया कुलदीप को पुलिस स्टेशन डालो, ये शादी खत्म करेगा, इससे बड़ा डूब के मर जाना अच्छा है, मामा को डूब के मर जाना अच्छा है जिसकी बहन मेरे को पुलिस स्टेशन में डाल रही है। अरे शादी में एक मामे का कितना बड़ा रोल होता है, मैं वो कसम से बोलता है, मैं इतना दुख होता था, मैं कसम कभी नहीं खाता लेकिन दुख होता था कि मेरे को ने सोचा कैसा, इतना डेस्परेट था मैं किसको मारता था, कुछ करता था, दांत निकालता, कुछ करता था, कैसा हुआ ये सब। लेकिन पिताजी ने बोला नहीं, मेरे लड़के को कोई पुलिस स्टेशन नहीं डालेगा, और मेरी जो वाइफ है 6 महीने के बाद आई उसको मैं संभालूंगा और अपने साली के साथ नहीं। मैंने वही जात बताया जो नहीं बताने की थी, ऐसे उसको गंदी बातें बुद्धि करके सब उसको शक्ल से पेश शक्ल हो गया था, और वो एक साइड से खूबसूरत बीवी और मैं दोनों की जोड़ी, अभी भी फोटो मेरे बहन के पास है। तो ये निकला तो उसने खाली बोला वाइफ ने, स्वामी जी तुम इतने अच्छे थे, अपना क्या हुलिया बना के रखा है तुमने, क्या बना के रखा है, इतने एक्टर जैसे में तुमको शादी क्या क्या बना के, उस औरत के क्या विचार थे मेरे प्रति, पतिवर्ता औरत यार, लोगों ने बोला डाइवर्स कर दे इसको, अच्छा आदमी तुमको मिलेगा, लेकिन उसका मुंह से नहीं आया। उसने गुर्जर में सेवा किया, पोचा मारा, सब कुछ करने के बाद भी उसका हिम्मत इतना था कि उस तुमको छोड़ने की कोशिश नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तो उस एरिया में जाते थे सब बोलते हैं इसको इतनी अच्छी बीवी मिली, दारू वाले बोलते थे काय के लिए इतनी अच्छी बीवी मिली। 29 तारीख को मैं जब शाम को आया तो मेरा बच्चा बोलता है, पापा बहुत महीने हो गया आपको देखा नहीं मेरा घर में आना। मेरा एक बच्चे ने बोला, मेरा टर्निंग पॉइंट था, बस कोई चलाया उसको, और वो बच्चे को मैं उसी दिन दारू के अड्डे पे लेके, अड्डे वाले ने बोला कुत्ते हराम जादे तू बच्चे को दारू के अड्डे पे लेकर आए, कमांड कमांड तुमको क्या करना है। उस दिन भगवान ने मेरा टर्निंग पॉइंट था मुझे मालूम नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मुझे एक मैसेज मिला, नहीं पता था। मैं गया तो मैं साली लोग के घर में बैठा, मेरी सास के पास बैठा, साली लोग इतनी होशियारी से बैठी थी, अपने बच्चों को लेके बोल रहे थे भगवान मेरे बच्चे को मेरी उम्र लग जावे। मैं मन ही मन इतना रोया, आंखों में पट्टी डाल के, मैं रुमाल डाल के नहीं होता था कमीज ऊपर, इतना रोया मैं अपने बच्चे को दुआ भी नहीं दे सका यार कि मेरा उम्र उसको लग जाए, क्यों आधा मरा हुआ आदमी क्या दुआ देगा, कितना बड़ा दुख था मेरी जिंदगी में यार बच्चे को दुआ नहीं दे सका। कैन यू बिलीव दिस, आप सोच सकते हो, वो दुख लेके बैठा मैं, पता नहीं अभी क्या ये डाइवर्स की बुलाया किसके लिए मेरे को नहीं पता था। तो मेरे मामा को मैंने मारा था पुणे में, वो बहुत डरता था, तो उसको उसकी माँ ने मेरे को लेके घर में, तो मेरे को चैम्बर मीटिंग में लेके गई, उधर लॉरी आपका बर्थडे था 18 साल, आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसका कारण क्या था, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जहां तक मैंने शराब रुकी थी अभी मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। ये बीमारी हो गई, घर का सब बेच के पित्तल वित्तल सब हो गया, इधर दारू ने दिलेले फटके आता, आध्यात्म फटके शुरू होता पहले। उसके बाद में आया मीटिंग में, गले लगाया, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम अल्कोहलिक एनोनिमस में 7 दिन तक मैं इतना रोया कि ये फेलोशिप कैसा बनाया यार, भगवान ने कैसा बनाया, किसी आदमी ने मेरा ठुकराया नहीं, किसी आदमी ने मेरा दोष नहीं निकाला, किसी आदमी ने मेरे से नफरत नहीं की, आई एंजॉय द फर्स्ट डे यू नो अनकंडीशनल लव में वाला सौदा, तूने जान के थोड़ी किया, तुम्हें पता नहीं था बीमारी क्या है, आज तुमको पता चलता कि तू एक पैग लेकर दूसरा पीना ही पड़ता है, तुम रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता है। तो मेंटल ऑब्सेशन मेड मी डू टू डू ऑल दिस थिंग, इट वॉज अ डिक्टेटर फॉर एनी अल्कोहलिक, लिखा गया था आम्ही दारूच्या संघर्षामध्ये कधी जिंकलो नाही कधी हारलो नाही, दारूचे गुलाम झालो। अरे बापरे क्या फटका पडा मेरे को सुनते सुनते सुनते, कुलदीप जो हम क्या तुम लोग मत करते आना, केम टू बिलीव द पॉवर ग्रेटर देन कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। अभी इतना पागलपन, बच्चे का दूध पैसा माँ बाप को खत्म करके, परिवार खत्म करके, आर्थिक खत्म करके, ये अभी हमको शांतिपन में सुरली जीवन ला क्यों जाना, भाई शौक हो गया, अजब हो गया, एक मेंबर से सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, सुनते 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 ध्यान से 3-3.5 महीना नींद नहीं आया, पैसा नहीं था, सब कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे शराब के पास जाने को क्यों नहीं दिया। मेरी बीवी गोद में लेके बैठती थी, जब मीटिंग में था सुहाग रात के भी दिन, उसकी इतनी मुंह में रौनक नहीं थी, जब भी पहली मीटिंग में आया तो उसको मालूम पड़ा कि मेरा हस्बैंड यहाँ पे ही ठीक हो सकता है। आज एक ही मेंबर अलोन के मेंबर को दाद देता हूँ,
उनकी वजह से मैं इधर हूँ, मैं किसी की वजह से यहाँ पे नहीं हूँ। औरतों की तनख्वाह, औरतों की जो जो पाठ पूजा है ना, उनके वजह से हम लोग इधर आए। कोई भी गलती से ए में नहीं आए, कोई भी फ्लुक में नहीं आया। किसके पीछे, किसे पीछे उसकी प्रार्थना है, मैं पहुंचा। सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग को गया, अभी वहां पे बुक बुक वगैरह कुछ भी नहीं थे, मेंबर ढूंढते थे सरदार जी किधर गया। बहुत दूर दूर मीटिंग होती थी, कितना कष्ट निकाला मीटिंग के लिए। मेरे पाँव में छाले पड़ गए, बच्चे के पड़ गए, मेरी औरत के पड़ गए। 3 साल का बच्चा यार, आप क्या समझेंगे 3 साल का बच्चे को क्या मालूम होता है। ये बेचारा आता था डर के बैठता था कि पापा गुस्सा करेगा, कहाँ से उसको मैं दूध लाऊं, कहाँ से बदाम पिस्ते देऊं, कहां से लाऊं। उसका बचपन मैंने खराब किया, आज तक बच्चा मेरा पतला है, दुबला है, बहुत दुख होता है उसको देखे। नो डाउट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका जब भी ऐश करने का बचपन है, उसको बचपन याद करके मैं रोता हूं। आज बड़ा हो गया और छोटा पैदा हो गया, 6 साल का भी वीआर ट्रीटमेंट, उसका बचपन भी देख कर रहे हो तो आज मेरा पोता है। दोस्तों वहां से चालू हो गया। अभी चालू होता है यूनिटी में, क्या होता है सब यूनिटी में कुलदीप सिंह को देख देख के, सरदार जी का मजाक करके करके करके, एक ही ध्यान से सुनते सुनते एकता में जो ताकत देखा मेरे को। कुलदीप सिंह, जब तक मीटिंग में आते रहोगे तब तक तुमको हम लोग गिरने नहीं देंगे, इट इज यूनिटी। अच्छा, यूनिटी में क्या सीखा, अस्त व्यस्त जीवन, अच्छी जिंदगी चलने का मौका। अभी काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, इन लोग क्या बोला, तीसरा स्टेप है आर्थिक परिस्थिति बारक, पारिवारिक बारक, सामाजिक बारक। तेरे को एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन हो, व्यक्तिगत अनुभव सुनने की ताकत है क्या तेरे को, छिलका निकाल के मेरे को बोला। ओल्ड टाइमर यार, मैं कैसा भूल जाऊं, मैं गट लेवल से क्यों शेयरिंग करता है, मुझे भी ऐसे शेयरिंग मिला करके, इट इज नॉट माय, मेरा टैलेंट नहीं है। परसों सिप्रिंग के बर्थडे में गए थे, महिंद्र आया था वहां पे, तो ये जब उन्होंने बोला किसने गवाया सब, मैंने गवाया। दारू किसने पिया, मैंने गवाया। कितना नौकरी गवाया, कितना नींद गवाया, आज तू इस चीज की चिंता करते तू, और भगवान से तुम ये चीज मांगते है, छोड़ दे। भगवान तेरे को 600 का नौकरी देगा, 700 का तेरे को करना पड़ेगा, झाड़ू मारने का नौकरी मिलेगा तो भी स्वीकार करना। अभी ये मैं बताया, स्टार्ट विद द जीरो, तो औरत चप्पल से मारेगी तो भी स्वीकार करना। इतना साल गाली देना माँ बाप सबको, उनका स्वीकार करना। किसी का औरत मारती नहीं, उनका खाली एग्जाम्पल था कि सहन शक्ति बढ़ाओ, पेशेंट बढ़ाओ। बाद में आया करते 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 तीसरा स्टेप में जब पहुंच गया, तो चौथा स्टेप में मेरे को जो सुंदरम था, हमारा जो BW साहब को मिले थे, उसने बोला कुलदीप ये जो 12 पारी है ना, ये शराब रोकने के लिए नहीं है। अगर 12 पारी शराब रोकने वाला होता तो आप बहुत जन शराब पिया है। ये चौथा स्टेप जो है तुमको, ये जो 12 पारी तुमको पूरे जिंदगी की जानकारी निकालने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने का, थ्रू आउट लाइफ करना है। शराब से दूर रखने, ये 12 पारी नहीं है, भूल जाने इसको। फिर उससे बताए चौथा स्टेप में क्या है। हम लोग ने चौथा स्टेप में BW ने हमको दिया हुआ है कि ये सिंगलनेस पर्पस क्यों दिया है। हम लोग चौथा स्टेप जब हम लोग अपने स्पॉन्सर के पास जाके बोलते हैं, मैं किधर किधर गया, किधर किधर गंदगी जगह में गया, किधर किधर में गोश्त कितना खाया, सब कुछ बोलने के बाद, वे सब उसको स्पॉन्सर का बोलने के बाद पांचवा स्टेप पे मारता है। तो बाद में इन्होंने ट्रेडिशन बनाया है, ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। इसके लिए हम लोग दूसरा NA का, GA का, सेक्स का ये बात हम लोग एम ए नहीं करते। सिंगलनेस पर्पस में आके उसने शुरू किया, चौथा स्टेप खत्म कर दिया स्पॉन्सर से। अभी मीटिंग में आके क्यों बोलना है। तो हमारे को फाउंडर भी, जब भी उसको था स्मोकिंग एनिमल्स में इतना था, उसको ऑक्सीजन दिया जाता था, उसने स्मोकिंग एनोनिमस नहीं चालू किया, क्यों, ये सिंगलनेस पर्पस था। आपको याद होना मांगता है सिंगलनेस पर्पस, चौथा स्टेप जब हम लोग अपना बकवास करके अपने स्पॉन्सर को बोल देते हैं झूठ सच, उसके बाद हमको किसी भी ड्यूअल चीज का इधर आके शेयरिंग करना, तंबाकू वगैरह कोई चीज शेयर करना हमको नहीं बनता है। इसके लिए सिंगलनेस पर्पस ने चौथा पारी में स्पॉन्सर से खत्म करके ट्रेडिशन में डाला। अभी आता है छठा स्टेप में, अभी छठा स्टेप में आता है सब कुछ मैं तैयार हूँ अपना स्वभाव दोष निकालने को। कारण, अरे समाज में कैसा घुसूं, परिवार में कैसा घुसूं, ये आधे अधूरा प्रयास में करके आया पीने का टाइम। ये प्रोग्राम आधा अधूरा प्रयास में नहीं चलेगा जब तक 34 साल में होर कर रहा हूं, अभी भी सुनकर तैयार हो रहा हूं। तो छठा स्टेप में मुझे बताया कुलदीप सिंह, आज का एक दिन तुमको उपवास करना पड़ेगा, जो तेरे स्वभाव दोष है नहीं जाएंगे, पर यू हैव टू अरेस्टेड डे एट टाइम। तो आ गया सर्विस में, सर्विस में क्या हो गया,
जाके ट्रस्ट से कॉल करने का टाइम स्विच ऑफ लाइटनिंग पहले हो गई थी, किसी को मैसेज देना। अभी ग्रुप खोलना चालू किया, जब भी ग्रुप चालू किया मैंने वाशी में, उसके पहले हम लोग निकी डी के साथ में गए, कम से कम 8-10-12 हजार आदमी को मैसेज दिया। अरे उनकी औरतें चंदन का हार लेके, उनकी औरतें पांव पड़ के और प्रोविजन डिपार्टमेंट के लोग डर के हम उसको भाग से देख के कहूँ दिया डाइंग फॉर सोबरिटी, किसी को जाओ मैसेज देने को पता चलता है फुटवर्क में यार, फोन पे वो 12 सेकंड कॉल नहीं होता है। मैं आज भी फुटवर्क में जाता है, मेरे बॉम्बे के मेंबर आज भी बैठे हुए हैं, उनको सब पसंद है। कुलदीप 9-10 आदमी गाड़ी में लेके घूमता था फॉर द 12 सेकंड कॉल। मैं किया हुआ दोस्तों, मीटिंग में आके बोल सकता हूँ, बाहर नहीं बोलता हूँ। ये मैं का प्रोग्राम साथ में मेंबर होते थे। तो बाद में 6वां स्टेप में आया, अगर मैं सभा दोष निकालने को तैयार नहीं हूँ तो मेरा ये जो ऊपर का 4-5 स्टेप जो मैंने किया उसका मेरे को फायदा कुछ नहीं, हाफ मिल जाए नथिंग, वापस तो दारू के पास हो जाएगा ना, जिंदगी उल्टा सीधा होने वाला है। तो ये जब भी आया तो अभी मेरे को एक ओल्ड टाइमर ने बताया, कुलदीप तेरे को जितने लोगों ने दुख दिया ना, जितने लोगों को तेरे खुन्नस से सब कुछ है, वो 4th स्टेप में खुन्नस से निकलता है। 7th स्टेप में मेरी वाइफ ने बोला, देखो तुमको जितना लोग ने शादी पे नहीं बुलाया, तुम्हारा गुस्सा है, छोड़ दो गुस्सा, तुम अपना दिल छोटा क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं ना, मेरी औरत का इतना बड़ा दिल, उनको सबको जोड़ को मेरे फैमिली को जोड़ा, उसकी फैमिली को जोड़ा, मेरे रिश्तेदार को जोड़ा, कितना बड़ा जिगर मेरी औरत का था। वो मेरा 7th स्टेप में हमली आस्क हिम टू रिमूव माई शॉर्ट कमिंग, मैं सब शॉर्ट कमिंग में सबको गले लगा के सबको मिल गया। आज तक मेरा वो परिवार, मेरा समाज, मेरे इज्जत करता, आज तक इमेज बना के रखा है, किसी से पैसा नहीं लिया था उस समय, किसको मैं दिया लोगों का पैसा भूल गया। अभी मेड ए लिस्ट, अभी लिस्ट बनाने के बाद भी मैंने क्या किया मैंने, आप भी सुन के अजब हो गए, जिसको जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा लिया था, जो हार मैंने गहने रखा था उसका ब्याज देना था, तो उनके पास गया तो उन लोग आंखों से पानी आ गया, कुलदीप तुम्हारे लिए, तुम्हारी अच्छी हमारी बीवी के लिए, सुंदर बीवी के लिए हमने दुआ मांगी थी, मैं कैसा भूल जाऊं ये शब्द उनका, मीटिंग में आके उन्होंने गले लगाए, उन्होंने भी रोए, मैं भी रोया, तुम्हारे लिए हमने दुआ मांगे था कि हमारा भाई ठीक हो जाए। ये चीजें दोस्तों इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव पिक्चर, बाहर की दुनिया भी सोचते थे कि आदमी ठीक हो जाता, सोने जैसा हीरे जैसा आदमी होगा, क्या मैं हीरा बन गया, नहीं हीरा नहीं बना, लेकिन उनकी सोच थी। अभी आया 9th स्टेप के लिए, मेरा माँ के पास में जब गया हॉस्पिटल में, 28 साल मेरा मुंह नहीं देखा, आप सोचो एक 34 साल के आदमी को माँ ने 27-28 साल उसका मुंह नहीं देखा होगा, कितना बड़ा जुल्म किया होगा। अगर मैंने किया, आप लोगों ने नहीं किया दोस्तों, हाथ जोड़ता मत करना, मैं कुछ किसके साथ से मजाक करने के लिए मुझे पैदा किया, सांप ने बाप खड़ा है, कैसा बर्दाश्त करेगी औरत, कैसी और बर्दाश्त करेगी मानू मेरी माँ, जानवर में और उसमें मेरे में क्या फर्क रह गया। दोस्तों नहीं माफ किया, आईसीयू में थी, बीमार हो गई मेरी भाभी की वजह से, बीमार होने वाले नहीं थी वो, 93-94 हो गई थी, हॉस्पिटल में गया आईसीयू में गया, मैं खड़ा रह के बोला वहां पे, माँ मम्मी मेरे को माफ कर दे, मैं रोता देखा उसने, मेरे पास हाथ किया इशारे के, नाक में नली थी, डॉक्टर बोलता है अंकल जरा आप बाहर जाओ, मेरा नहीं मैं बाहर ही जाएगा, उसको गंगा जल पिलाते गए रखा, वो औरत ने माफ किया नहीं, माँ को माफ किया नहीं, मुझे आज तक गिल्ट खा रहा है, मैं कैसा माफ करूँ, फिर याद करता हूँ, चलो एक माँ को तो मैंने नहीं किया, दूसरी अल्कोहलिक की माँ मुझे देखे गई, उसके थ्रू तो उसे माफी मांगू। फिर आता है मतलब 10वां स्टेप में क्या बोला, अगर मैं और को गुस्सा करता है, मैं उसी टाइम प्रॉपर्ली एडमिट लिखा है, सुबह गुस्सा हो गया रात को नहीं, प्रॉम्प्टली अभी मार लगा, अभी जख्म लगाने गए, प्रॉम्प्टली एडमिट दिया, हम लोग प्रॉम्प्टली कहाँ बोलते हैं कुलदीप, तो अभी झगड़ा क्या, अभी सॉरी बोल, तू कल बोलेगा नहीं चलेगा ना, टिटनेस हो जाएगा जख्म को। और 11वां स्टेप में सॉर्ट टू प्रेयर एंड मेडिटेशन, हम लोग पीने के टाइम कितना उस परमेश्वर को याद किया, क्या क्या मन्नत मांगी उसके पास, शॉर्ट टू प्रेयर, ये जो स्टेप्स है सब पास्ट टेंस है, एक भी स्टेप प्रेजेंट टेंस नहीं है, याद रखो मैं इतना ध्यान से पढ़ता हूँ लिटरेचर, इतना ध्यान से करता हूँ, इतना ध्यान से सोचता हूँ इसका डीप में क्या है करके, कोई भी मानवीय शक्ति तुमको शराब से नहीं बचाती, आज कोई भी संत महात्मा का नाम किसी 11वें स्टेप में आज तक नहीं दिया और ना दिया है,
24 आवर्स बुक आता था, जीसस का नाम था, उसको बंद कर दिया। डेली रिफ्लेक्शन है, उसमें एक पेज दिखा 21 नवंबर को, मैंने जीसस लेटर डाला, सेंट फ्रांसिस का नाम क्यों आया करके, काफी समझाना पड़ा। फिर जब भी उसका मैं मेडिटेशन करता हूँ, घर में दोस्तों मेडिटेशन नहीं होता है, क्यों, कभी बच्चा आ जाता है, कभी पोता आ जाता है, कभी छाया वाला आता है, कभी अखबार आता है। द बेस्ट मीटिंग रूम मेडिटेशन हो, जब भी मैं रात को गाड़ी खड़ा करता हूँ किसी कोने में, जैसा अभी खड़ा किया है, मैं भगवान को पूछता हूँ, भगवान तूने क्या सोच के मेरे को जन्म दिया है, क्या सोच के दोबारा जन्म दिया है, व्हाई दिस बोनस लाइफ, उधार मिली हुई जिंदगी में क्या दिया है। फिर बाद में आता है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जो शराबी सबको गले से लगाते चलो। दोस्तों इन एनी लेंथ, आज भी मुझे फोन आता है बॉम्बे से, किधर का कोने कोने का, मैं अपना गाड़ी स्टार्ट कर या बस में या ट्रेन में पहुंच के काम करता हूँ, जो किसी शराबी का दुख लेके अपना सुख बांटता है, उससे बड़ा जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर एक शराबी अपना एक बर्थडे मनाता है, जिंदगी का सबसे बड़ा हसीन दिन वो होता है। एक अल्कोहलिक का जरा दिल से पूछ के देखो, आज हम लोग किसी का मैसेज चुकता है, कभी चुकते हैं, अभी आईजीआर को पैसा दिया जाता है जाने के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए ग्रुप का, नहीं दे रहे मैसेज, हम लोग को जाना पड़ रहा है। बट थैंक गॉड, विदाउट डेलीगेट, विदाउट इंटरग्रुप, विदाउट द जीएसओ, आई एम प्राउड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, गॉड हैज गिवन गुड टैलेंट टू मी फॉर द ट्रस्टशिप कॉल, और पैसा भी अपने जेब का निकल कर डाला हुआ है, कईयों को हॉस्पिटल में डाला, कईयों को घर में दिया, हम लोग करके बड़ा बात नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, भगवान मुझे माफ करना, मैं ग्रैंडियोसिटी का बात नहीं करता हूँ, मैं पहले से दिल वाला था बचपन से। तो ये जो सर्विस का पार्ट है ना, विद द ह्यूमिलिटी, किसी भी न्यू कमर को आज तक मैंने तकलीफ दी नहीं, ग्रुपिज्म में मेरे को बहुत कुछ किया लोगों ने, बहुत अपमानित किया मेरे ग्रुप में, अभी भी जिस ग्रुप में ग्रुप बने बहुत किया, लेकिन मैंने प्राइमरी पर्पस नहीं छोड़ा। आज होल टाइम घर में बैठे हैं, ग्रुप खराब है यार, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको करते हैं, बट मैंने प्राइमरी पर्पस नहीं छोड़ा, ये मैसेज देते देते, क्यों, इस संस्था का मेरे पे इतना बड़ा एहसान है कि ये जिंदगी में उसका कर्ज नहीं चुका सकता है, तो अपनी जिंदगी में क्या चुकाएगा, भी बहुत सी हिसाब किताब बाकी है। इसके लिए बोलता हूँ, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, इन आप जैसे मेहरबान दोस्तों का सारा। अरे किसी ओल्ड टाइमर बात करते है उसका सुनो, मेरे को निकाला जाता है ग्रुप से, मेरे को उल्टा सा बोला गया, काफी लोगों ने किया मेरे को, मैंने दुश्मनी मोल नहीं लिया, मैं जरा डरिंग था, मैंने देखा काफी जगह पे उल्टा टाइमर से मारा मारी हो गया, मेरे को कोई हाथ मिला लगाना पैदा भी नहीं हो गया, मैंने ऐसा गंदा काम भी नहीं किया कि मेरे को हाथ लगाए, मैं उनके साथ में इमेज बना के रखा, यूनिटी में जुड़ के रखा, यार वो मेरे से ज्यादा बीमार है, लेकिन ग्रुपिज्म में लोग फंसे हुए, उनका जो हालत देखा ना, वन इज हॉस्पिटल में पड़े पड़े, जिसने ग्रुप से निकाला, काफी स्विफ्ट एंड श्योर पनिशमेंट क्यों लिखा है हमारे को फाउंडर ने, नॉट यूज, आज मुझे शर्म आती है अगर मैं ये का काम खराब करता हूँ, ये एज ए होल में भगवान के खाते में जाता है। तो मुझे आज से उठ के मैं रिकवरी कैरी करता हूँ, भगवान व्हाट इज द रिकवरी फॉर मी, भगवान ने सुंदर जीवन दिया, रिकवरी क्या है मेरी जिंदगी में, भगवान ये तो समस्या तो आनी जानी है, घर का खड़ा क्लेश होने वाला ही है, मैं सुबह निकलता हूँ रात को 10-11 बजे घर में जाता हूँ, उससे परिवार से तेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मीटिंग में अपने आप को एक इमेज बनाकर कॉल टेमन जा, मगर कुछ याद अपनी छोड़ के, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हर ग्रुप में जाता हूँ, हर ग्रुप में शेयरिंग मिलता है, जिसने नहीं दिया बोल जाओ उसके लिए कंसर्न, लेकिन देने का भगवान ने टैलेंट दिया है। ड्रंक लॉग शेयरिंग इज अ स्पेशलिटी टुडे, बिल डब्ल्यू खुला लिखा है, ड्रंक लॉग शेयरिंग इज अ स्पेशलिटी, बाकी टॉपिक बीपिक तो मैं पढ़ता लेता हूँ। तो ये जब भी किसी को मैसेज देते हैं ना दोस्तों, उनकी परिवार से पीछे खड़ा रहकर, जब उनका साल होता है पीछे से मैं मुड़ के देखता हूँ, वो अपनी फैमिली के बच्चे के साथ में चल के जाते हैं, और बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में हमारे जो मेंबर बैठा होगा उसने बोला आज मैं इधर पिकनिक गया था उधर पिकनिक गया था, जिसने मैसेज दिया वो क्या सोचता होगा, भगवान तूने इसको सोवर किया, अरे किसी को देख के खुश तो हो जाओ, किसी को देख के जरा खुश तो हो जाओ, ये हमारे साथ में किसी को जलन मिलन निकालने का प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है अपनी जिंदगी में, ये दिन इसके लिए बोलता हूँ,
ये जो है ना गरीबी वाले तो लाजू नका, श्रीमंती वाले तो माजू नका। मैंने बहुत उतल फुतल देखा है में, बहुत से चांद तारे देखे में, बहुत सारे उल्टे से देखे, लेकिन मैंने कभी नकाब डाल के मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया तक पाया। नेवर जैकल हाइड जैसे मैं काम नहीं किया। मेरा प्रमाणिकपना मेरे साथ में है या नहीं उसका मजा नहीं, बट लोगों में प्रमाणिकपना में सर्विस देता हूँ, हर चीज का हेल्प करता हूँ। और लोगों को जब भी मैं हॉस्पिटल में मरते देखा, उनकी औरतें विधवा होते देखी, बहुत दुख होता है दोस्तों, बहुत दुख होता है। इनकी औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, मेरे को हम लोग बच गए, इसका मतलब उनको परेशानी करना है दोस्तों। उनका भी दुख है, उनके भी बच्चे हैं, तो उनके घर में जाके दो मेंबर पूछते हैं कुछ तकलीफ है तो बोलो। मेरे सामने 150-200 आदमी गए हॉस्पिटल में गए, कितना लोगों का इतना प्रोत्साहन है मेरे पर, कितना प्रेम है इंडिया में। कुलदीप सिंह को कैसा लोग प्यार करते हैं, मेरी आंखों से पानी आता है। आज कितने 300-400 मैसेज आए, पीपल कॉल्ड मी यार, दे वी आर इन द सेलिंग द सेम बोट। हम लोग किसी से छोटे नहीं है, किसी से बड़े नहीं, नोबडी इज ए बिग शॉट इन ए, नोबडी स्मॉल इन ए, वन शॉट आउट शॉट। दोस्तों क्यों लोग वापस गए आई डोंट नो, मैं कोशिश करता हूँ उनको समझाने की। अगर उसको स्लिप भी हो गया तो उसको स्लिप का मैं नहीं बोलना चाहिए, ही विल कम एंड टेल द स्लिप। तो इतना प्यार मिलने के बाद तुम और कुलदीप क्या कशिश चाहता है, तू और क्या चाहता है, तेरी कशिश क्या है, और ये में आने के बाद क्या मांगे करते हैं, कभी नहीं मांगे गए दोस्तों। ये बोलते ना, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ में छोड़ दे ये धंधे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। दोस्तों ये प्रोग्राम में किया भगवान ने मेरे साथ में, आई एम सो हैप्पी विद माई गॉड। भगवान अगेन बोलता हूँ, नया भाई को कितना भी तकलीफ आवे पहले घोट के पास मत जाना। मैं 6 महीने मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, मेरे पास कुछ नहीं था, आज आपके सामने आपका सहारा है मेरे को दोस्तों, आपका सहारा है। हमेशा बोलता हूँ आपके सहारे की वजह से मुझे जगह जगह से फोन आके बोला कुलदीप सिंह जीते रहो, जितने हमें 75 ना हो, अभी 180 किलोमीटर गाड़ी चला के आज मैं रोड पे खड़ा हूँ, आंखें से पानी आ रहा है कि भगवान ने मुझे कहाँ से कहा भीख मांगती जगह से 29 तारीख के बाद जो मुझसे दिया, उसके बाद मेरे को शराब का ख्याल भी नहीं आया, कभी मेरे को अफसोस नहीं है। मैं सबको बोलता हूँ बीमारी कैरी करके मत जाओ। मैं शादी भी गया तो मेरे को दारू का ख्याल आ गया, किधर गया तो दारू का ख्याल आ गया। ये दारू का ख्याल मन से निकाल दो यार, जब भी जाता हूँ एक लड़की देखा तो मैं उसका पाँव देख रहा हूँ, उसको देखा नहीं क्यों, खूबसूरती नहीं देख रहे है उस औरत का, खूबसूरती क्यों नहीं देख रहे है, क्या उसको देखना मना है। तो ये जो प्रोग्राम है ना, हमेशा हमें दारू के पास जाने वाला था, मेरे को ये करने वाला, ये मत बोलो ये में आके, आई एम अवे फ्रॉम द फर्स्ट दिन टुडे। जो दुनिया में हमको हर शराबी चाहता है शराब छोड़ने के लिए रास्ता नहीं मिलता था, अभी मिला है तो पकड़ो, अभी मिला है तो एक का पकड़ो, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों मैंने बहुत सा बोला, आप लोग सुना, हमेशा बोलता हूँ दोस्ती की महक किसी इश्क से कम नहीं होती। साथ हो अगर पायनियर ग्रुप का, कुलदीप का 34 साल का, तो जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती। एक लास्ट टाइम बोलूंगा जो हमको मरने के बाद, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पे चले और बदी से टले, आज हंसते हुए निकले दम। दूसरा 12 पारी वही है, हमको जीवन गुजारना है, 12 पारी दारू बंद करने के लिए नहीं, जीवन गुजारना है। आधा पारी के बाद देखा तुम कुलदीप जिंदगी दुखारोगे तो अट्रैक्शन बाद दुनिया में होगा। ये सरदार जी कैसे पीता था, कहां से ठीक हो गया, इट गोज टू द गॉड एंड द अल्कोहलिक्स एंड उसके लिए अट्रैक्शन राधा ने प्रमोशन दिया है, मेरे अकेले के लिए नहीं दिया, परिवार के लिए नहीं दिया। दिस इज द रियल अट्रैक्शन जो हमको भगवान ने दिया ना, जिंदगी जीने के लिए प्रोग्राम दिया दोस्तों, गलत स्टेप लेगा करके दारू रोकने के लिए नहीं, अच्छा जिंदगी अच्छा प्यार, इसके लिए बोलता हूँ ये जो दोस्ती प्यार की है सब कुछ है, इसको एक को मन ठुकरा दोस्तों, भगवान दूसरा मौका देगा नहीं देगा मुझे पता नहीं। नए भाई को फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आई मैं नियर एंड डियर वन जो मेरी मीटिंग में आज जुड़े हैं, मैं सबको आज दिल से मेरे सही दिल से प्रार्थना करता हूँ, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे ग्रुप की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से, जो आज बोलते हैं कुलदीप एक मीटिंग में जाके अच्छा हो गया, कितना बड़ा गनीमत है उस भगवान का यार। सो मैंने बोला आपने सुना ये यूनिटी सर्विस रिकवरी का भी लोगो निकाल दिया आज, क्यों ये किसी एग्जीबिशन में यूज किया जाता, राउंड भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। अभी मैं बोलता हूँ कभी मीटिंग में घर का मीटिंग मत लिखना दोस्तों,
गलती से भी यूनिटी सर्विस रिकवरी है, घर का मीटिंग नहीं होता है, इसके लिए हम लोग आधा अधूरे प्यासे निकल के पूरा काम शुरू करो, कभी जिंदगी में ऑब्सेशन आएगा ही नहीं। पीने के टाइम आधे अधूरे प्रयास में थे, आज ये सोक्रेटिस बोलता है प्रोफाउंड पर्सनलिटी चेंज। मेरे को एक भी आदमी बता दे बॉम्बे कुलदीप आज तक रो के आया और रो के बात कर रहे, रो के शेयरिंग कर रहे हैं और कभी अपना दुख बताए, कभी नहीं बताया मैंने जिंदगी में। पहले दिन से रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो भगवान का आदमी कहलाएगा, वही जो स्पीचुअल अवेकनिंग है यार, हंस के जाना भगवान के पास। भगवान ने बोला ये में भी आज तो रोके अभी रोके तो लाने थे कुलदीप तेरी जिंदगी में सोबरेट भी। इसके दोस्तों रोना मत सीखो, हंसना सीखो। आज मैं जोक नहीं बोल सका, आप लोगों ने बहुत मेरे को इमोशनल किया। मेरी एक ही चीज है, मेरी सोबरेटी मेरी इमोशनल है। क्यों? एक मैं दयावान हूँ, मैं खर्चीला हूँ, सबकी मदद करने वाला हूँ, और दूसरा इमोशनल क्या होता है, रो रो के लोग जीते हैं, अभी क्या करूँ अभी क्या करूँ। टू 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 चॉइस, एक रो रो के इमोशनल, एक खुश हो के इमोशनल। सो आने पर सभी भाइयों का मैं भात पांव जोड़ के बहुत स्वागत करता हूँ। आपने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को सुना, मैं काफी गट लेवल से बोला, किसी को अगर बुरा लगा होगा तो मुझे अपने दास समझ के छोड़ देना। आप सबको बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपने बोलने का मौका दिया, पायनियर ग्रुप बाबू जी सुधीर जी और मेंबर जुड़े सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।